अंग्रेजी से इतना प्रेम कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी को सीने से चिपकाए रखा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि हम राज करते रहें। जितने लोग थे ये फैसला लेने वाले, सब के सब विदेश से पढ़ के आए थे उस वक्त। कुछ ही लोग थे जो भारतवर्ष में पढ़े थे। बहुत कम समय में हिंदी ऐसी भाषा है जिसने ये मकाम बनाई है, जो इतनी समृद्ध हुई है। लेकिन समृद्ध भी हुई है क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि से, पुष्ट भी हुई है तो क्षेत्रीय भाषाओं के रस से। ये नहीं भूलना होगा हम हिंदी वालों को। भारत जब विश्व बाजार में उतर गया तो हिंदी बाजार की भाषा बन गई, लेकिन उसका छींचना लेकर सिर्फ भारत वर्ष में हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है और अपने ही लोग कर रहे हैं। वो तो सर पे उठा के घूम रहे हैं, 50 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका के ही कुछ 47 विश्वविद्यालय के 75 कॉलेजेस में, वहां के महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आवश्यकता है नई पीढ़ी को ये बताने की कि हिंदी है क्या। हिंदी को बहुत बदनाम कर दिया गया है, जैसा कि बताया गया, ये सच है। नई पीढ़ी को ऐसा बताया गया कि हिंदी बोलोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, और अब माँ बाप को भी लगने लगा है कि बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, बेटी अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा काम नहीं मिलेगा। 1915 में भोपाल में ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और विदेश मंत्री का कहना था कि हिंदी को रोमन लिपि में लिखिए। ये पैरवी कर रही थी वो। अब इससे बड़ा विध्वंसक और पैरवी क्या हो सकता है। कुछ साल पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री जाकर बोलता है संस्कृत मृत भाषा है, संस्कृत मृत भाषा है, बताइए। और अभी नासा के वैज्ञानिकों ने यह शोध किया कि अंतरिक्ष की भाषा जो है वो संस्कृत है, जो शब्द अंतरिक्ष में सुनाई दे रहे हैं वो संस्कृत है। सूर्य से लगातार ओम उच्चारित हो रहा है और संस्कृत से ही प्रोग्रामिंग की थी उन्होंने कंप्यूटर की, और आज सारी आने वाली 2 पीढ़ी के बाद संस्कृत में ही सारी प्रोग्रामिंग होगी कंप्यूटर में, पूरी दुनिया में। ये अमेरिका की तैयारी है, इसीलिए आज वो केजी से ही पढ़ाना शुरू कर रहे हैं संस्कृत, क्योंकि हमारे अपने विद्वान होंगे, हम अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे और अपने हिसाब से पूरा कंप्यूटर जाएगा पूरे विश्व में। इस पीढ़ी का एकमात्र ऐसा मीडिया का आदमी है जो लगातार हिंदी के पक्ष में बात करता है। दिक्कत यह है कि हम सच को जानते नहीं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ढंग का सच होता है वो ठीक उस कृष्ण की तरह लीला करता है कि वो पैदा तो जेल में होता है लेकिन उसकी सारी लीलाएं गोकुल में होती है, वहां चलती है। यही स्थिति है कि जो कुछ हमारी भाषा, हमारे साहित्य, हमारी राजनीति, हमारे अर्थशास्त्र, इस सब का जन्म इस समय पिछले 20 सालों से न्यूयॉर्क के मेडिसिन एवेन्यू में होता है या व्हाइट हाउस के किसी कर्मचारी के टेबल पर तय होता है, या फिर WTO की किसी टेबल पर जहां हमारा यहां का वित्त मंत्री एक क्लर्क की तरह उनके सामने रिपोर्ट देता है कि हमने क्या क्या किया। और निश्चित है उसमें WTO की भूमिका यह है कि आप अपनी भाषा का विस्थापन कितना जल्दी करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि कैसे है? आप अगर किताब पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म कि भाषा का साम्राज्यवाद कैसा है, तो आपको पता पड़ेगा कि दरअसल हिंदुस्तान में भाषा को लेके 95% अपढ़ है, क्योंकि वो उस राजनीति को नहीं जानते कि भाषा के पीछे क्या है। मुझे वो लोग निहायत फूहड़ तर्क देते हुए मिलते हैं कि भाषा नदी है। देखिए, प्राकृतिकताएं जितनी होती हैं उन्हें सामाजिकता के पैराडाइम पर, उसके मूल्यों पर कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रांति पहले भी की जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बाढ़ पहले ला दें और बाढ़ कर दें। इतनी नैसर्गिकता नहीं होती सामाजिक परिघटनाओं में। आपने कभी सोचा है कि हमारे हिंदी भाषा में जो हमारे मेडिसिन के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ग्रंथ अवेलेबल करा दें? हिंदी भाषा वाले सिर्फ कविता लिखते रहे, शेर शायरी करते रहे और उसमें आनंद लेते रहे, ये मौसी भाषा बना दिया।
कभी आपने गंभीरता से सोचा कि हमारे विज्ञान के लिए भी हमें तैयारी करना चाहिए? और तैयारी ये क्या, सिर्फ हम बुराई 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 करते रहेंगे साथियों तो काम नहीं चलेगा, हमारी हिंदी आगे नहीं आएगी। अगर कोई भी चीज़ हमें आगे लाना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें ये लगातार प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने अच्छे ग्रंथ बनाएं। ग्रंथ सिर्फ हिंदी के नहीं, भाषा के नहीं, संस्कार के भी हों, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों में संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। बच्चा जो पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहता है, तो भाई हिंदी मीडियम स्कूल में कोई नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री इस लायक नहीं है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को नौकरी मिल सके। जहाँ लाखों रुपए नौकरी उनका दी जाती है, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में हम कहते हैं 10,000, 15,000, 5,000 ले लोगे, तो कैसे हिंदी की प्रोमेशन होगी? अभी हमें सोचा कि हमको हमारी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं भी भाषा का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं जनसंचार का भी विद्यार्थी हूँ, और जनसंचार का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो अंग्रेजी के शब्द इसमें ठूसे गए हैं ना, ये साजप्रवाह नहीं है, ये साजिशन ठूसे गए हैं। जैसे ज्वार को हाइटाइट कहना एक साजिश है, विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी कहना एक साजिश है, महाविद्यालय को कॉलेज कहना एक साजिश है। आप विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट शब्द का जब इस्तेमाल करते हो तो वो साजिश है, वो भाषा का सहज प्रवाह नहीं है। बड़े बड़े लेखक जो हिंदी में लिखकर नाम कमा रहे हैं, वो अखबारों में संपादकीय लेख लिखते हैं कि रोमन भाषा में लिख दिया जाए, ऐसा देवनागरी की जरूरत क्या है? चेतन भगत जैसे लेखक, आपकी पूरी दुकानदारी चलती है उसके नाम, लेकिन आप मानते हैं कि रोमन में। तो मैंने कहा ठीक है, माँ बदल रही है बाजार से, इसी माँ की क्या जरूरत है? मुझे लगता है ये उसी स्तर का तर्क है। अगर आप अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को, अपनी सभ्यता को बदल देने के लिए तैयार है तो माँ बदल रही है, पिता बदल रही है, बच्चे बदल रही है। जब आपको अपनी संस्कृति से प्यार नहीं है तो आपकी माँ से आपको किस वजह से प्यार होगा? क्योंकि उसने जन्म दिया है, ऐसे मेरी भाषा ने, मेरी संस्कृति ने, मेरी जमीन ने, मेरे संस्कारों ने मुझे करा है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? केवल इसलिए कि सहज प्रवाह के नाम पर कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। अब तो मैं केवल विचलित नहीं होता हूं, मैं क्रोधित भी होता हूं और दुखी भी होता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि ये वक्त न दुखी होने का है न रोने का है, ये हिंदी के लिए उठ खड़े होने का है। और जितने लोग हिंदी से प्रेम करते हैं वो उस प्रेम को अब केवल इस तरह की परिसंवादों में, भाषणों में, निबंधों में न सीमित रखें, उसके लिए आगे बढ़ें, कुछ व्यवहारिक पहल कीजिए। मैं हिंदी भाषा की पत्रकारिता के साथ हिंदी के स्थानीयकरण से भी जुड़ा हूँ। जब हम फेसबुक के लिए हिंदी में लिखते हैं और लोग फेसबुक का हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, हिंदी का उपयोग हो रहा है और हिंदी में भी और काम करना चाहिए। ये दुख है कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के घटत न हियो को शूल, तो वो जो शूल है ना, वो बिल गेट्स को चुबा, मार्क जुकरबर्ग को चुबा, लैरी पेज को चुबा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चुबा। हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, औद्योगिक घराने, वो तो अंग्रेजी में लिखकर और ऑटो गैरेज और ऑटो सेंटर और पान सेंटर लिखकर बड़े खुश होते हैं। आधों को तो समझ ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं भाषा के साथ, और आधों को ये लगता है कि वो बड़े इलीट क्लास में घूमते हैं तो उनको तो अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करना चाहिए।